पेट संबंधी सभी रोगों के लिए जबलपुर के सुप्रसिद्ध पेट एवं मोटापा रोग विशेषज्ञ और लेप्रोस्कोपिक सर्जन डॉक्टर के वर्मा प्रत्येक माह के तीसरे रविवार को दमोह में मिलेंगे। समय सुबह 11 बजे से 3 बजे तक। मिलने का पता महाकौशल मेडिकल स्टोर्स, 3 गुल्ली चौराहा, दमोह। खत्री डेंटल केयर, दांतों का अस्पताल, डॉक्टर अरुण खत्री, डॉक्टर नीलिमा बर्डे खत्री। स्थान परिवर्तन, क्लिनिक अब नए पते पर पहुंच गया है। समय सुबह 9 बजे से रात्रि 8 बजे तक। हमारा नया पता खत्री डेंटल केयर, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के बाजू से, राय चौराहा, दमोह। दमोह कोतवाली थाना पुलिस को एक बड़ी सफलता हासिल हुई है, जब कोतवाली पुलिस के द्वारा एक बड़ी कार्रवाई करते हुए अवैध मादक पदार्थ गांजा रखने के आरोप में पुलिस के द्वारा 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। वहीं उनके पास से बड़ी मात्रा में गांजा भी बरामद किया गया है। सिटी SP भावना दांगी ने बताया कि कोतवाली पुलिस को सूचना मिली थी कि 2 पुरुष एवं 1 महिला अवैध रूप से गांजा लेकर शहर में बिक्री के लिए परिवहन कर रहे हैं, जिसके बाद कोतवाली पुलिस द्वारा घेराबंदी करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। वहीं उनके पास से 8 किलो 450 ग्राम अवैध गांजा भी बरामद किया गया है। इस गांजे की कीमत 84,500 रुपये बताई जा रही है। आरोपियों के मुताबिक इस गांजे को वे छोटी छोटी पुड़िया बनाकर बेचते थे। पुलिस ने बताया कि बड़ी कॉलोनी निवासी योगेंद्र उर्फ चेतन, मोनू उर्फ विक्रम एवं अनीता राठौर शोभा नगर दमोह निवासी है, जिनके द्वारा अवैध रूप से गांजे का विक्रय किया जाता था। वहीं पुलिस के द्वारा मादक पदार्थ अधिनियम की धारा के तहत कार्रवाई की गई है। कल दिनांक 19 फरवरी को 3 आरोपी पकड़े गए हैं, जिनके पास से 8.5 किलो के आसपास गांजा बरामद हुआ है, जिसकी कीमत 84,500 रुपये के आसपास है। ये तीनों आरोपी शोभा नगर के पास जटर कॉलोनी रोड पे पकड़े गए हैं। क्या करते थे गांजा, कहाँ से लाते थे, क्या करते थे गांजा? ये जो है गांजा कटनी से लाना बता रहे हैं, जिसमें ये लोग छोटी छोटी पुड़िया बना के गांजे को बेचते हैं। पहले से भी कोई आपराधिक रिकॉर्ड इनका? नहीं, इन तीनों का कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है। कहाँ के निवासी हैं ये लोग, कुछ मालूम है? ये तीनों पीड़ी कॉलोनी दमोह के निवासी हैं।